पुरानी वाली बाइक राइड करने वाला हूँ। रूट क्या बताऊँगा यार, ये वाला रूट क्या है, रहने का मन करे यार, ऐसे में कैंपिंग कर लो यार। हम तो सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम बाइक से आएंगे तो यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। लाइक करो, फॉलो करो। Hey guys, welcome back to my channel. Here I am and I hope you all are fine. All are doing great. So first of all, if you are new to this channel, then smash the subscribe button. Don't forget to hit the bell icon. और बात करते हैं कि भाई क्या है कैसे। हाँ, आज मैं अपनी पुरानी वाली बाइक राइड करने वाला हूँ। अच्छा, डालता रहता था अपनी स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे। अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो मैं नहीं पता तो जाके फॉलो कर लीजिए, नीचे आईडी दे रखी है मैंने, ठीक है। तो आज हाँ मैं उसको राइड करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें उसमें रेडी थी सही होने से, माइनर चीज़ें रही हैं, बहुत कम रही हैं, मतलब छोटी मोटी। बाकी सब मैं करा चुका हूँ उसको, मैं एक तरह से थोड़ा चेंज करा चुका हूँ कि उसकी ऑयल टैंक और जो उसका बैक था, मतलब बैक का जो बाइजर था वो टूट चुका था और ऑयल टैंक जो था उसका कलर थोड़ा फेड हो गया था, तो वो भी सही कराया है। देखते हैं, चलते हैं फिर। सो हेयर इट इज़। अब मेनली जो मैंने चीज़ें इसमें चेंजेस कराई हैं, पहले वो दिखाता हूँ। चेंजेस कराई हैं वो इसका ऑयल टैंक है, ये पूरा चेंज हुआ है, इसका मिड ब्लैक हो चुका है, था तो पहले भी ब्लैक ही। और एक ये मैं दिखा दूँगा, यहाँ पे साइड में आपको दिखेंगी, साइड में दिख रही होंगी, ये थोड़ा ऐसा सा था तो इस वजह से ये चेंज कराए हैं, कल ही कराए मैंने। तो अब मैं इसको पहले साफ़ करता हूँ, फिर चलते हैं, फिर बताता हूँ कहाँ चलना है, ठीक है। राइड करनी थी लंबी, तो ज़्यादा लंबी अभी जा नहीं सकता मैं क्योंकि कुछ चीज़ और करानी है। तो मैंने सोचा कैथपुर चलता हूँ, भैया से नहीं मिला मैं, मतलब कल परसों गया था बट भैया इतना शौक उठे थे, मैं वापस आ गया था। तो अभी फ़ोन किया उनको, मैं निकल रहा हूँ, मैं कह रहा इतनी धूप में भाई, आज इतनी बुरी चीज़ है, कभी भी उठती है मुझे धूप, फिर नहीं देखता मैं धूप हो रही है गर्मी हो रही है, मेरे को जाना है तो जाना है, ऐसी घूमने का मैटर होता है मेरे साथ। भैया कह तो सही रहे थे कि यार धूप बहुत गंदी हो रही है, गर्मी हो रही है, बहुत गंदी हो रही है लग रही है, बट द थिंग अभी सड़कों पे पेड़ हैं तो उनकी वजह से थोड़ी कम लग रही है, बट आगे जाके हाईवे बन रहा है तो वहाँ के पेड़ कट चुके हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो वहाँ मेरी हालत ख़राब हो सकती है। कोई नहीं, अब चलना है तो जाना तो यही है, पहुँचते हैं। मेरा बहुत अजीब लग रहा है, मतलब दोपहर के एग्जैक्ट में 3 बजे निकला था घर से, तो अब 3:05 या 3:10 हो गई होगी, तो वही बात है, खाज उठी है तो मिटानी तो पड़ेगी। अब गलत मीनिंग मत लेना, ऐसी खाज नहीं उठती मेरे को, जो तुम समझ रहे हो ना। बस बाकी अभी तक तो रास्ता सही है, मतलब ऐसा है, दिखाता हूँ। कहाँ से है? अब नहीं मिलते मेरे को पेड़ दूर दूर तक, अब ये उधर कुछ नहीं है, इधर ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, कोई नहीं। फिर भी इतनी बुरी नहीं लग रही, मतलब हेलमेट है अपना तो उससे थोड़ा कम है, बट हाथों को पता चल रहा है सब लग रही है। गर्मी बहुत गंदी है रे बाबा, ठंड सबसे बढ़िया है। पुलिस वाले अंकल के आम चुरा लो, नहीं अंकल सब्जी लेके जा रहे हैं, गंदे काम नहीं करते। देखते हैं, पहुँचते हैं, चलो।
यहाँ से फिर मौसम में बदलाव आ जाएगा, यहाँ पे फिर मतलब हवाओं में ठंडक आ जाएगी, बिकॉज भाई प्रगति यार ये शैडो, अरे डर कैसे हो गया भाई। हाँ तो भाई अब फिर से मजा आया, बट ये कुछ ही देर का मजा है, ये भी आगे फिर मिल जाएगा। अच्छी होती है कुछ चीज़, बुरी भी होती है। हाईवे बन रहा है, ओके ठीक है बढ़िया है, बट पेड़ नहीं है, नहीं है। और अभी टाइम लगेगा 4-5 साल तो हाईवे को लगेंगे। यहाँ पे ट्रक खड़े हुए दिख रहे हैं आपको, ऊपर चले जाता हूँ ये, यहाँ से फिर धूप हो जाएगी, यहाँ से फिर हाईवे का काम चल रहा है, तो है विंडशील्ड, जो है इसकी विंडशील्ड भी सही करानी है मेरे को, ये टूटी हुई है, इससे कुछ गिर गया था जहाँ खड़ी रहती थी लॉकडाउन में पिछले मतलब एक साल तो खड़ी रही है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डिफरेंट है यार, कहाँ जा रहे हो साहू। अरे यार मेरे को मिरर की आदत पड़ गई है, जो साइड मिरर होते हैं पहले बाइक में नहीं है, पहले था इसमें, पता नहीं मैंने शायद निकाल दिया, पता नहीं मेरे को याद नहीं, बट अब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें लग रही है, तो साइड मिरर की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, बिकॉज हेलमेट में आप टर्न नहीं कर सकते, हेलमेट में आप ऐसे नहीं कर सकते, तो इसलिए करना पड़ता है। अब पेट्रोल पड़ेगा, पहले पेट्रोल चलवाते हैं, फिर सोचते हैं भैया के पास। सो गाइज द सीरियस थिंग इज नॉट अ सीरियस थिंग, मैटर ये हुआ अर्पित भाई के पास गए, 2-4 दिन का गैप लिया, मौज करी, अर्पित भाई आगे जा रहे हैं मेरे। अर्पित भाई बात है हमारे एक लोकेशन पे, ये हमारा बाकी जो हुआ, अब हम वापस घर जा रहे थे, तो सोचा एक जगह मिली मतलब उसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो एक्सप्लोर कर रहे थे तो भाई शांति, ये सुबह के हो रहे हैं 5:30 बजे भाई, मेरी शक्ल हर टाइम ऐसी रहती है, ऐसी बना देता हूँ मैं को कुछ नहीं चाहिए। अब दिखाता हूँ मैं, यहाँ एक नेचुरल चीज़ होती है ना, मतलब अनटच्ड टेरिटरी, बोलो दोबारा अनटच्ड टेरिटरी, अनचार्टेड टेरिटरी जो होती है ना, वो यहाँ है सर, जो भी होता है भाई, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। दिखाता हूँ ये सब और ये शांति, हम अभी ये एक्सप्लोर करके बहुत दूर तक गए थे, तो वहाँ से आ रहे हैं और भाई जान हमारे, अब लेके चलते हैं हमको सेमी भाई के पास, समर्थ भाई के पास ले चलते, चलिए। पे चेक किया कुछ नहीं है, बट ये रास्ता बना हुआ है, पता नहीं गांव होगा, छोटा मोटा गांव होगा, जो मैप पे भी नहीं है जो मैप पे भी नहीं है भाई, देख रहे हो अलग ही चीज़ चल रही है भाई, इस एरिया में तो कभी आया ही नहीं मैं, ना आना हो कभी। ये आपको पड़ेगा रूट, क्या बताऊँ यार, ये वाला रूट क्या है, कोटद्वार से हरिद्वार वाला रास्ता जो जा रहा है ना, जो जिनको पता है सीधा नहर जो रास्ता जा रहा कोटद्वार से हरिद्वार, ये वाला रूट है, अगर जिन्हें पता है उनका ठीक है, नहीं पता बाकी अब समझ। सेमी भाई को दिखाते हैं, सेमी भाई का फ़ोन आया अभी, कहाँ हो भाई आ जाओ, आओ हमारे सेमी भाई, कौन कौन जानता है, लाइक करो फॉलो करो कमेंट कीजिए मेनली भाई वो वाला रूट है जिससे हम आए थे, और यहाँ से हमने देखा ये लोकेशन ये थी सामने, ये भाई
क्या क्या बुराई है इसमें? कुछ बुराई है? रहने का मन करे यार ऐसे में, कैंपिंग कर लो यार। सही बताऊँ तो हम तो सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम बाइक से आएंगे तो यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग करो, मजे लो यार जिंदगी के। भाई यहाँ जंगल में गए थे अभी, थोड़ी सी दूर तक ही गए थे। आगे अब चलते हैं घर यार, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत एक्सप्लोर कर लिया। बाकी अभी तो इतनी छोटी मोटी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाइक का भी देख रहे हैं, बाइक कैसे कैसे सही करनी है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करानी है, तो चलता रहेगा। चलते हैं अभी। भाई अब बंद रोकने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ का जो व्यू है ना, हमें ढाबे पे रुके हैं वैसे खाना खाने के लिए, घर जाते हैं फिर फोटो खाते हैं। यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, छोटा सा आ रहा है तो बड़े आ रहा है, बारिश पड़ रही है, धूप निकल रही है, पहाड़ के थोड़े थोड़े वो दिख रहे हैं, दिखाता हूँ। ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, अब बारिश पड़ी है, दड़ा। चलते हैं।